हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे सर्विस संचय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये बुक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। तो मैंने ये अपने पास अभी रखे है। इस बुक को तो ऐसे रिव्यू की ज़रूरत नहीं, आप सभी के पास ये बुक जनरली होते ही हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। असल में मैंने ये वीडियो कुछ आपको दिखाने के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने दो बुक यहाँ रखे हैं और दोनों ही ओरिजिनल है, ऐसा कोई नहीं कि एक डुप्लीकेट है, दोनों ही ओरिजिनल है। तो पहला ये पीस जो मेरे पास लास्ट है, इसलिए मैं इमीडिएट इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप पीस देख रहे हैं, इसका आप देख सकते हैं प्राइस है 430 और एडिशन संस्करण जो हो गया हमारा 2021 है। और इस साइड जो हमारे पास है, इसका अगर मैं आपको एडिशन दिखाऊं तो ये 2022 एडिशन है और ये आज ही हमारे पास आया है। अब ये 2023 जो आएगा अगले साल नवंबर में आएगा। तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ गया, 450 रुपये हो गया, पेपर का प्राइस बढ़ रहा। तो कहने का मतलब ये 2021 एडिशन है, ये 2022 एडिशन है। तो दोनों बुक में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजिंग किया गया है या फिर वही बुक को दोबारा से प्रिंट कर दिया गया है, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और क्या आपके पास 2021 है तो आप 2022 निकल चुका है, तो क्या आपको 2022 लेना चाहिए या 21 से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो रिव्यू को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों का कंटेंट देख लेते हैं कि क्या चेंजिंग किया गया है या नहीं किया गया है। उसके लिए दोनों का कंटेंट को मुझे खोलना पड़ेगा एक साथ। तो यहाँ पे शॉर्ट में ही चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट किया गया है, देखिए प्राचीन भारत, और सारे टॉपिक भी आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक वगैरह है। और यहाँ पर नया वाला जो हमारे पास है उसमें भी हमें सेम टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ एक दो करके टॉपिक जो इतने सारे टॉपिक है, कुल टॉपिक है हमारे पास 23 में विविध लास्ट, 20 में ब्रिटिश। तो यहाँ पर भी कुल जो टॉपिक हमारे पास है 23 में विविध और 20 में ब्रिटिश शासन करके हैं। तो ये ऊपर वाला तो हमारा सेम टू सेम वही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी भारत का संविधान, ऐतिहासिक, और ये जो 2022 वाले संस्करण है उसमें भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल जाते हैं। कितने टॉपिक इसमें हैं वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, 41 टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। और यहां पे जो लास्ट हो रहा है हमारा 41 टॉपिक ही में हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था। और उसके बाद ये है भारतीय अर्थशास्त्र। जनरली अर्थशास्त्र में ही चेंज किया जाता है क्योंकि उसमें हर साल आंकड़े उसमें चेंज होता है। और मैंने जो 21 और 2022 के एडिशन लूसेंट सामान्य ज्ञान किया तो उसमें मैंने दिखाया भी था, जो ब्लू वाला इसका सामान्य ज्ञान आता है उसमें ओनली इंडियन इकोनॉमी चेंज था। तो यहाँ पर जो सारे टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण पहलू और भी सारे टॉपिक मिला के 11 टॉपिक है यहाँ पर। और 2022 वाला में भी भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण पहलू से स्टार्ट करते हुए 11 टॉपिक विविध लास्ट हमारा हो जाता है। तो यहाँ तो अभी तक कॉन्टेंट में भी हमारा अर्थशास्त्र सेम ही जा रहा है। भूगोल का टॉपिक आ गया, भूगोल में भी 74 टॉपिक है भारतीय जनजातियाँ। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं 74 टॉपिक भारतीय जनजातियाँ। उसके बाद भी यहाँ और है टॉपिक, चलिए और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी पलट देते हैं। कला संस्कृति में भी आपका 19 टॉपिक है, यहाँ पर भी आपको 19 टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और यानी कि सारे के सारे चीज़ें बिल्कुल से यहाँ कंटेंट में हमें सेम देखने को मिल जाता है। ज़रा सा भी 1% का मुझे यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिला। जो मैं देख रहा हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा भी बदलाव नहीं किया गया, नहीं जैसे कि मैंने बताया था ये भारतीय अर्थव्यवस्था में चेंजिंग रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है कॉन्टेंट का नाम एक ही है, अंदर में कुछ चेंजिंग हमें देखने को मिले। तो चलिए मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टरों पर ले चलते हैं। यहाँ पे हमें जाना है 229 पेज। चलिए 229 पेज हम लोग पहुँच गए, 229। तो यहाँ से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 229 पेज, और यहाँ पे भी हमें 229 पेज पे ही जाना है क्योंकि बिल्कुल सेम है ये।
221 आ गया, 22 30 229 चलिए आ ही गया 229 पेज। चलिए यहाँ पर भी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था आ गया और यहाँ पर भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था में 2022 एडिशन ये और 2021 एडिशन वो था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवाद वगैरह सारा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ नए वाला है हमारे बुक्स में भी वही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वगैरह। 2015 का क्वेश्चन था, यहाँ पर भी 2015 का क्वेश्चन था। चलिए आगे और भी देखते हैं, बीच से कोई क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, या 20 नंबर सीरियल नंबर ले लेते हैं हमारे नया वाला में। वर्तमान समय में देश किस प्रकार, तो यहाँ पर भी वर्तमान समय में देश किस प्रकार। चलिए देखते हैं लास्ट में कुछ चेंजिंग किए गए हैं क्या, क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन तो ईयर वाइज इस तरह से जोड़ा गया है, तो नए क्वेश्चन को हो सकता है अपडेट किया गया हो, लेकिन अपडेट किए होते तो पेज नंबर, पेज जो होते वो जरूर से बढ़ते। यहाँ पे पेज भी हमारा उतने ही है जितना हमारा पहले था। तो यहाँ पे मुझे 2021 तक के तो क्वेश्चन देखने को मिल गया, कहीं पे मैंने देखा भी 2021 के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, देख लीजिए 2013-2011। अरे हमारा भूगोल का टॉपिक आ गया, पार हो गया जरा अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे लास्ट हम लोग चले अर्थव्यवस्था के लास्ट टॉपिक तक चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ भूगोल स्टार्ट हो गया, ये लास्ट टॉपिक यही है। यहाँ पे भी आपको 2021 के ही सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2022 के कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये है पेज नंबर 273 पे चलते हैं। पेज नंबर यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन ही अपडेट थे, देख सकते हैं, और इसमें कुछ ही क्वेश्चनों को जोड़ के 2021 के कुछ क्वेश्चन को जोड़ा गया है, 2022 के भी कुछ क्वेश्चनों को जोड़ा गया है। तो बिल्कुल से थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है बुक में, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ ऐड किया गया है। यहाँ तक आप कह सकते हैं 2020 तक के सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके पास थे, और यहाँ पे ज़रा सा चेंज करके 2020 के बाद 2021 और 22 के कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं जो कुछ एग्जामिनेशन में आए थे, लेकिन बुक में पेजेस उतने ही हैं, माइनर चेंज हो सकती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 610 पेज है हमारा पहले वाला पुराना एडिशन में, और नए वाले में है कितने पेजेस पड़े हैं, 610 के 610 ही पेज हैं, पेजेस भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 10 12 15 क्वेश्चन करके बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल से अगर आपके पास ये वाला एडिशन है 2021 वाला, तो ज़रूरी नहीं कि आप 2022 आ गया तो 2021 को छोड़ के 2022 को ख़रीदने चल जाएं। आपके पास अगर 2022 एडिशन नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप 2021 एडिशन से भी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप न्यू बुक लेना चाह रहे हैं तो 2022 लेंगे, क्योंकि उसमें फुल अपडेटेड रहेंगे। तो आपके पास पहले से हैं तो लेने का, आपको नया बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का नॉलेजर वीडियो रोज़ाना देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना हमारे पास न्यू बुक्स आते रहते हैं जिसका रिव्यू मैं आपके लिए करके देता हूँ, साथ ही बुक चेक करने के लिए भी 10 से 15 पेज का PDF फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।